मैं नीता मेहता हैशटैग कुक विद द डिफरेंस में आज बताऊंगी मूली का पराठा। आप सोच रहे होंगे मूली के पराठे में क्या खास हो सकता है। खास ये होगा कि बनाने का इसका तरीका, क्योंकि कई बार जब हम मूली का पराठा बनाते हैं तो मूली में इतना पानी होता है कि जब आप बेलते हैं तो वो टूट जाता है, चिपकने लग जाता है आपके बेलन से। तो देखिए कैसे बनता है ये मूली का पराठा विद अ डिफरेंस। मैंने मूली को ऐसे कद्दूकस करके रखा हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कुछ पत्तियां भी हैं। मुझे मूली के साथ थोड़ी सी उसकी हरी पत्तियां बारीक काट के डालना अच्छा लगता है विद अ फ्यू लीव्स। और इसमें हम डालेंगे अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और इसे अच्छी तरह मिलाकर इसे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अब ऐसे ही मैंने करके रखा हुआ है और आप देख रहे हैं ये मलमल के कपड़े के ऊपर पड़ी हुई है। ये मैंने मूली निचोड़ ली थी, पर दोबारा से ताकि पानी ना रहे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे आप कैसे निचोड़ेंगे मलमल के कपड़े में। ये देखिए निचोड़ने के बावजूद भी मेरे इसमें इतना पानी है जो मैंने कपड़े से निकाला है। अगर आप हाथ से निकालते तो शायद ये पानी आपसे नहीं निकलता और फिर आपका पराठा थोड़ा चिपकने लगता बेलन से और टूटने लगता। तो ऐसे आप अच्छी तरह से सारा पानी मूली में से निकाल लीजिए। अब ये मूली आपकी बिल्कुल सही है। नमक हम डाल चुके हैं, बाकी की क्या चीज़ें डालेंगे। थोड़ी सी इसमें ग्रेटेड जिंजर या अदरक मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी हरी मिर्चें स्वाद अनुसार बारीक कटी हुई, बीज आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी अजवैन अबाउट 1/4 टीस्पून से भी कम। अजवैन अच्छी लगती है पर थोड़ी सी। लाल मिर्च और इसी तरह गरम मसाला। नमक की जरूरत नहीं है, इसे आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसका जो पानी निकला था उससे आप आटा गूंथ सकते हैं। सारी न्यूट्रिशन तो पानी में होती है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप आटा मूली के पानी से ही गूंथ लीजिए। पर अगर आप पहले का आटा पड़ा हुआ है आपके पास तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है और अब देखिए हम पराठा कैसे बनाते हैं। गूंदा हुआ आटा ले लीजिए और इसे आप ऐसे बॉल बना लीजिए। थोड़ा सा नीचे सूखा आटा डाल दीजिए। ऐसे बेल लेंगे हम। और इसमें मैं डालूंगी मूली, अच्छी तरह से भर के डाल दीजिए। जैसे ही मैंने मूली निचोड़ी थी मलमल के कपड़े में, इसी तरह कभी कभी जब आप पालक वगैरह सॉटे कर रहे हैं तो कटी हुई पालक अगर आप धोते हैं तो उसे भी ऐसे मलमल के कपड़े में आप निचोड़ सकते हैं। तवे को मैंने गर्म करने रख दिया है क्योंकि ठंडे तवे पे आप कभी भी रोटी या पराठा मत डालें। ये आप देख रहे हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फूट रहा है, तो कोई बात नहीं अगर ये फूट रहा है, पर ध्यान रहे कि एजेस पतली कर दें आप। तो ऐसे एजेस पे थोड़ा सा बेलन लगा दें। तवा गरम है, अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठा। एक साइड से जब सीख जाए तो इसे पलट लें। पराठा अच्छे से सीख गया है और अब मैं डालूंगी घी। साइडों में डालिए थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर।
पराठे को दबाइए स्पेशली एजेस से ताकि वो कच्चा ना रहे। और अब इसे हम पलट देंगे। क्या बढ़िया पराठा लग रहा है। मैं एक ही साइड घी प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू कट डाउन ऑन द घी। बस पराठा आपका तैयार है। ये देखिए अच्छा लाल हो गया है। सर्दियों में मूली का पराठा और दही, नथिंग लाइक दिस लंच। एंजॉय योर विंटर्स विद मूली का पराठा, परफेक्टली कुक्ड विद दही। मेरे मसाले आप मेरी साइट neetamehta.com या Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नीता मेहता ऑन YouTube चैनल। थैंक यू।